हम मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे हैं कॉकरोच के अंदर, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कराती हूँ कल वाली क्लास को, जितना भी तुम लोगों ने वीडियो देखी नहीं देखी या यहाँ पे भी अटेंड की या नहीं की, तो उसमें एक काम पहले डायग्राम हम बुक से देख के बना लेना या फिर जो वीडियो है उसको मैं दोबारा से रिसेंड कर दूँ किसमें से देख लूँगा। तो हमने कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया तो क्या बताया था कि कॉकरोच इज अ डायसिस ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हुआ। इसमें मेल और फीमेल कॉकरोच को हम एक्सटर्नली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जो एनल स्टाइल होती है वो सिर्फ मेल कॉकरोच में होती है और फीमेल में वो अब्सेंट होगी। तो हम एक्सटर्नली देख के ये बता सकते हैं कि मेल कॉकरोच है भी फीमेल को, ठीक है। फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया तो उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट्स करने स्टार्ट किए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर लोकेट करते हैं, पेयर फॉर्म में होंगे। और टेस्टिस का मेजर मेजर फंक्शन क्या होता है, स्पर्म को सीक्रेट करना, स्पर्म की फॉर्मेशन करना। टेस्टिस से एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर निकलेगा, एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर कौन है, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया नाम देंगे। वासा डिफरेंशिया टेस्टिस से अराइज करती है, वो कहाँ पे ओपन करती है, वो यूट्रिकुलर ग्लैंड के बेस में से जाते हुए सेमिनल वेसिकल से होती हुई एजेक्युलेटरी डक्ट में ओपन करती है, ठीक है। थर्ड जो पार्ट बताया आपको हमने ग्लैंड का नाम बताया था, दैट ग्लैंड इज नोन एज यूट्रिकुलर ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है, यूट्रिकुलर ग्लैंड। एंड दिस यूट्रिकुलर ग्लैंड इज ऑफ मशरूम शेप, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मशरूम ग्लैंड। यूट्रिकुलर ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड सेमिनल वेसिकल्स। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड सेमिनल वेसिकल्स, ये 3 पार्ट्स इसके बताए गए दे यूट्रिकुलर ग्लैंड के पास, गॉट इट। फिर नेक्स्ट हमने इसके बाद क्या स्टडी किया था कि यूट्रिकुलर ग्लैंड से एक डक्ट अराइज करेगा एंड दैट डक्ट इज नोन एज इजेक्युलेटरी डक्ट। डक्ट को हम क्या नाम देंगे, इजेक्युलेटरी डक्ट नाम देंगे। इस इजेक्युलेटरी डक्ट का मेजर फंक्शन क्या होगा वो हमने कल बताया था कि नहीं बताया, बता दिया था कल की क्लास में। ये बताया था कि यूट्रिकुलर ग्लैंड से नीचे की तरफ क्या आती है, स्पर्म को कैरी करके लेके आया जाता है, वो इजेक्युलेटरी डक्ट लेके आता है। अगर हमने इसके ऊपर डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, एक समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा ये पेड़ यहाँ पे टेस्टिस बताया है, इन्हीं टेस्टिस से ये ट्यूब अराइज कर रही है। सिमिलरली यहाँ से ये टेस्टिस है, यहाँ से भी इस तरीके से ट्यूब अराइज कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक मशरूम शेप का ग्लैंड बताया था, इस ग्लैंड में आप सेल्स इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, आप एक और सेल्स ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे ऐसे ट्यूबुल्स होते हैं। जो मैंने सेंटर में ड्रॉ किए उनको स्मॉल ट्यूबुल्स कहते हैं, और जो अभी ड्रॉ कर लेंगे उनको आप कहते हैं लॉन्ग ट्यूबुल्स। ये यूट्रिकुलर ग्लैंड का लॉन्ग ट्यूबुल्स होते हैं। और यूट्रिकुलर ग्लैंड में तीसरा कंपोनेंट मैंने बताया सेमिनल वेसिकल, वो यहाँ पे जो अभी ड्रॉ कर लेंगे सारे के सारे सेमिनल वेसिकल हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ये है यूट्रिकुलर। यूट्रिकुलर ग्लैंड के बेस पे यहाँ पे ही जाते हैं कौन, ये वासा डिफरेंशिया जाती है। यूट्रिकुलर ग्लैंड से ये डक्ट अराइज करता है, यहाँ से ये डक्ट आता है जो बाहर की तरफ ओपन करेगा एक पोर से, उसको मेल जेनेटिक पोर कहते हैं। दिस डक्ट इज नोन एज इजेक्युलेटरी डक्ट। इसी ग्लैंड में जस्ट पीछे की तरफ एक और ग्लैंड होता है एंड दैट ग्लैंड इज नोन एज फैलिक ग्लैंड, उस ग्लैंड को हम क्या नाम देंगे, फैलिक ग्लैंड, ठीक है। ये इस तरीके से, और ये क्या है, दिस इज द मेल कॉकरोच, इसको बेटा हम मेल कॉकरोच नाम देते हैं, इस तरीके से बाहर की तरफ ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये है टेस्टिस, दिस इज वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, दिस वन इज यूट्रिकुलर ग्लैंड। अब तो बना लो ना, दिस इज यूट्रिकुलर ग्लैंड एंड दिस डक्ट इज नोन एज इजेक्युलेटरी डक्ट एंड इस ओपनिंग को हम नाम देंगे इजेक्युलेटरी डक्ट की जो ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, मेल जेनाइटल पोर को हम नाम देंगे मेल जेनाइटल पोर। ये है फैलिक ग्लैंड,
टाइप के होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये फैलोपियस प्रेजेंट होते हैं, दीज आर फैलोपियस। ये कौन सी फैलोपियर है, ये है लेफ्ट फैलोपियर, ये होगी राइट फैलोपियर, राइट फैलोमियर, और ये होगी वेंट्रल फैलोमियर, दिस वन इज वेंट्रल फैलोमियर, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच है जिसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब मैंने क्या हुआ बेटा, हाँ ये इसमें 9 सेगमेंट से ये एब्डोमिनल अपेंडिसेस अराइज करते हैं, दीज आर एनल सर्काय, और यहाँ पे ये अराइज करते हैं एनल स्टाइल, और एनल स्टाइल मैंने आपको बताया 6 फुट मेल कॉकरोच में होते हैं और एनल सर्काई दो होते हैं, दीज आर एनल सर्काय। इनका हालांकि रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, ये मॉर्फोलॉजी में हम पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें बता दिया कि इनके व्याप मेल और फीमेल को एक्सटर्नली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि कॉकरोच के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, ठीक है। बेटा यहाँ पे आपको टेस्टिस जो बताए इनका काम मेजर क्या काम था, स्पर्म को बनाना, जो स्पर्म टेस्टिस में बना उसको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैरी करके लेके आते हैं, जिनका नाम क्या बताया बात आ गया प्लेंशिया, ठीक है बेटा, है ना भाई, फर्स्ट प्लेंशिया बेटा जो समझ में आ रहा है, ठीक है। वासा डिफ्रेंशिया कहाँ पे ओपन कर रहा है, यूट्रिकुलर ग्लैंड के बेस पे ओपन कर रहा है, यहाँ से जाकर जब सेमिनल वेसिकल के थ्रू होता हुआ और इसमें ओपन कर जाता है, इसमें इजेक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रिकुलर ग्लैंड की दीज आर स्मॉल ट्यूब्स, ये होंगे लॉन्ग ट्यूब्स और ये होगा सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। तीनों का फंक्शन मैं लिखवा दिया था, लॉन्ग ट्यूब्स की जो सिक्रीशन होती है स्पर्मेटोफोर की इनर वॉल बनाती है, और जो स्मॉल ट्यूब्स होते हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, और सेमिनल वेसिकल जो होते हैं दे विल टेंपरेरी स्टोर द स्पर्म, इजेक्यूलेटरी डक्ट है वो इस स्पर्म को बाहर की तरफ लेके आएगा और मेल जनरेटेड फॉलिकल्स को आउटसाइड में रिलीज कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी, लेकिन यहाँ पे जो इसकी सिक्रीशन होती है वो मिडल लाइन बनाता है इसकी स्पर्मेटोफोर की। देखो यहाँ पे जो स्पर्मेटोफोर बताया गया था वो स्पर्मेटोफोर क्या था बेटा, एक स्फीयर शेप का कैप्सूल था विच है 3 लेयर, जिसकी 3 लेयर होती हैं, एक होगी इनर लेयर, एक होगी मिडल लेयर और एक होगी आउटर लेयर, इनर लेयर मिडल लेयर एंड आउटर लेयर, ये 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें से जो इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, दैट इज फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ऑफ यूट्रिकुलर ग्लैंड, ओके। जो मिडल लेयर है इसके द्वारा फॉर्म की जाएगी, इट इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ इजेक्यूलेटरी डक्ट, ये इजेक्यूलेटरी डक्ट की सिक्रीशन से बनाई जाती है, एंड जो आउटर लेयर होती है इट इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ फैलिक ग्लैंड, इट इज फॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ फैलिक ग्लैंड। तो फैलिक ग्लैंड आपको कौन सा बताया गया था, यहाँ पे इसको हम नाम देंगे फैलिक ग्लैंड, इजेक्यूलेटरी डक्ट तक आपने लिख दिया था, इसके बाद हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो क्या होगा फैलिक ग्लैंड, और फैलिक ग्लैंड को मैंने बताया था कि कौन ग्लोबेट ग्लैंड भी कहते हैं, दिस फैलिक ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज फॉन ग्लोबेट ग्लैंड, ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखेंगे यहाँ पे आप इस यूट्रिकुलर ग्लैंड में कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होंगे, अगर हम उस पार्ट को स्टडी करते हैं तो हमने पार्ट 4 पढ़ लिए थे इजेक्यूलेटरी डक्ट, इसके बाद फोर्थ पार्ट आप लिखेंगे फैलिक ग्लैंड, फोर्थ वन इज फैलिक ग्लैंड, एंड फैलिक ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज कॉनग्लोबेट ग्लैंड। आप इसके बारे में क्या लिखेंगे बेटा, एक इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा विद सीक्रेशन फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, किसकी लेयर बनाएगी बेटा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, इट इज ए लॉन्ग इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर
लेयर बनाते हैं, ठीक है। अब हमने फाइव पार्ट स्टडी कर लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और कॉकरोच के। अब लास्ट में आपको बताती हूँ फेलोमियर्स की बात है, ये तो सारी चीज़ें की तरफ है। जब आपको स्क्लेराइड्स बताया गया था तब ये बताया गया था कि जितने भी जेनाइटल कोर होते हैं, या तो मेल जेनाइटल कोर या फीमेल जेनाइटल कोर, उन जेनाइटल कोर की जो ओपनिंग होती है उसके सराउंडिंग में जितनी भी स्क्लेराइड्स होंगी दे विल बी नोन एज गोनेकोफाइसिस। उनको हम गोनेकोफाइसिस कह सकते हैं या फिर उनको हम फेलोमियर्स कह सकते हैं। तो व्हाट आर फेलोमियर्स? दीज आर द स्क्लेराइड्स दैट सराउंड द, जो किसको सराउंड करेंगे, जेनाइटल कोर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा बेटा? फेलोमियर्स, फेलोमियर्स या गोनेकोफाइसिस, फेलोमियर्स और गोनेकोफाइसिस। व्हाट आर दिस फेलोमियर्स और व्हाट आर दिस गोनेकोफाइसिस, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? इनको हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्या होती हैं? देर आर थ्री क्राइटेरिया स्ट्रक्चर दैट सराउंड द मेल जेनाइटल अपर्चर, दीज आर थ्री क्राइटेरिया स्ट्रक्चर दैट सराउंड द, उसको सराउंड करेगी, दैट सराउंड द मेल जेनाइटल को। और ये कौन कौन सी होंगी? लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर। लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर एंड वन इज वेंट्रल फेलोमियर। तो इन टाइप की फेलोमियर्स और गोनेकोफाइसिस प्रेजेंट होती हैं कॉकरोच के अंदर। इनमें से जो लेफ्ट फेलोमियर होगा इसके पास में एक लोब लाइक आउटर ग्रोथ होती है लेफ्ट फेलोमियर में, जिसको हम सुडोपेनिस भी कहते हैं, ठीक है। तो सुडोपेनिस क्या होता है? इट इज ए स्वेलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट फेलोमियर, दैट वन इज ऑल्सो नोन एज सुडोपेनिस। इसमें सुडोपेनिस भी प्रेजेंट होगा। एंड व्हाट इज दिस सुडोपेनिस? इसे स्वेलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक स्वेलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या नाम दिया है? सुडोपेनिस नाम दिया। दूसरा आता बेटा राइट फेलोमियर, ठीक है। जो दूसरी राइट फेलोमियर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? राइट साइड में प्रेजेंट होगी और इसके पास में पॉइंटेड टीथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसके फ्री एंड पे और इसके बेसल एंड पे हुक प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके फ्री एंड पे टीथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप राइट फेलोमियर पे दो बातें लिख सकते हैं। ये इट बियर टीथ लाइक प्रोजेक्शन, टीथ लाइक प्रोजेक्शन एट इट्स फ्री एंड, अपने फ्री एंड पे इसमें टीथ लाइक प्रेजेंट होता है, उसके बेस रीजन पे हुक प्रेजेंट होते हैं। एंड इट कंटेन ए हुक एट द बेसल रीजन पे हुक प्रेजेंट, ठीक है। और थर्ड कौन सा बेटा? इसमें वेंट्रल फेलोमियर, ठीक है। वेंट्रल फेलोमियर में क्या प्रेजेंट होगा? मेल गोनेकोफोर, जो मेल जेनाइटल कोर है ये वाला मेल जेनाइटल कोर, ये रियल में इस वेंट्रल फेलोमियर के अंदर प्रेजेंट है। तो वेंट्रल फेलोमियर में आप लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड प्लेट एंड बियर्स द, इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड प्लेट इन विच मेल जेनाइटल कोर विल ओपन, जिसमें मेल जेनाइटल कोर है वो ओपन करेगा। तो ये सब था इसके फेलोमियर्स के बारे में। अब
देखो कॉकरोच का जो मेन पार्ट है उसका काम क्या था, स्पंक और सिक्रेट करना। जो स्पंक टेस्टिस ने बनाया दैट इज कैरीड बाय द वासा डिफरेंशिया एंड रिलीज इनटू द सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल में वो टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर किए जाते हैं। उस ड्यूरेशन में उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करेगा, स्मॉल ट्यूब्स। और उसी ड्यूरेशन में जो लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं वो अपने सिक्रेशन रिलीज करके उस पंप के चारों तरफ एक कवरिंग बनाते हैं। फिर उस पंप को इजेक्यूलेटरी डक्ट से पास करवाया जाएगा। तो इजेक्यूलेटरी डक्ट उस इनर कवरिंग के ऊपर एक और कवरिंग लगाए देंगे। फिर यहाँ से पहले ग्लैंड में अपने सिक्रेशन भेज रहा है और वो उसकी वजह से उनके बाहर की तरफ एक और कवरिंग लग जाएगी। तो इस तरीके से स्पंप के चारों तरफ एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर गया जिसको स्पर्मेटोफोर नाम दिया गया। इस स्पर्मेटोफोर को मेल जेनाइटल कोर के थ्रू कहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है, फीमेल की बॉडी में। और अब हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट थे। कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है आई थिंक आप सबको पता चलेगा, ठीक है ना। स्पर्मेटोफोर में कौन सी लाइनिंग कौन बनाएगा, आपकी बात आपको बताऊंगी। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।